हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी GT Neo 3T के बारे में। तो रियलमी ने हाल ही में इंडिया में लॉन्च करा है रियलमी GT Neo 3 को, जो कि डायमेंसिटी 8100 के साथ आती है और साथ ही 150 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और रियलमी ने इस फोन को काफी अच्छी प्राइस रेंज पे लॉन्च किया है, पर रियलमी जल्द ही GT Neo 3 सीरीज में रियलमी GT Neo 3T को इंडिया में जल्द ही लेकर आने वाला है। और इस स्मार्टफोन की खबर कुछ दिनों पहले से आने शुरू हो चुकी है, बट अब फाइनली टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने इस स्मार्टफोन को सबसे पहले NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट और BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट में स्पॉट करा है, जिससे कि ऑफिशियली रियलमी GT Neo 3T के बारे में पता चल चुका है। साथ ही स्मार्टफोन का नाम, प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है, पर यह कंफर्म नहीं है कि इंडिया में ये स्मार्टफोन रियलमी GT Neo 3T के नाम से आने वाला है या नहीं। तो चलिए देखते हैं रियलमी GT Neo 3T में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन Geekbench डाटाबेस में भी देखा जा चुका है, जिससे कि पता चला है कि ये स्मार्टफोन अपने बड़े भाई रियलमी GT Neo 3T की MediaTek Dimensity 8100 की चिपसेट से हटकर GT Neo 3T पे ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 870 की चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है और ये स्नैपड्रैगन की अभी तक की सबसे स्टेबल चिपसेट रहा है। और साथ ही ग्राफिक्स के लिए एड्रिनो 650 GPU लगाया जाएगा और आप Geekbench 5 में इसकी सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर्स देख सकते हो, पर ये स्मार्टफोन अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है इसलिए स्कोर कम देखने को मिला है। आगे चिपसेट के साथ हमें 8GB और 12GB रैम और 128GB से 256GB तक की स्टोरेज वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिलेगा और सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी UI 3 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। आगे डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें तो सामने की तरफ सेंटर पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगा और पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा और ये स्मार्टफोन व्हाइट और ब्लैक में अवेलेबल होगा, बट और भी कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो हमें इस स्मार्टफोन पे 6.5 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz तक की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा और साथ ही HDR10+ की सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। कैमरा की बात करें तो GT Neo 3T पे ट्रिपल कैमरा मिलेगा और लेटेस्ट खबर से पता लगा है कि इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल की मेन कैमरा होगा, बट पिछले रूमर्स में कहा गया था कि इस पे 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा होगी, बट अभी कंफर्म हो चुकी है कि इस पे 50 मेगापिक्सल की मेन कैमरा होगी और बाकी दो कैमरा की अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। पर सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। आगे बैटरी की बात करें तो बैटरी की कोई भी लीक्स अभी जारी नहीं किया गया है, पर पिछले रूमर्स के हिसाब से 80 वाट तक की फास्ट चार्जिंग अवेलेबल होगी और इस स्मार्टफोन की प्राइस लगभग 40,000 के अराउंड देखने को मिलेगा और इसकी लॉन्च इवेंट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, पर इस स्मार्टफोन की फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। टेक केयर, गुड बाय।